गुड आफ्टरनून फोर्थ क्लास. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 16, द अर्थ एंड द स्काई. ठीक है, तो हमने स्टार्ट करना है डे एंड नाइट. मैंने आपको बताया था जो अर्थ की रोटेशन की वजह से बनते हैं. आज हम पढ़ेंगे द आउटर पार्ट ऑफ अर्थ. ठीक है, यहाँ सेकेंड पैरा हम रीड करेंगे, इसे एक्सप्लेन करती हूँ मैं. द आउटर पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट. ठीक है, यानी कि जो अर्थ का आउटर पार्ट होता है, जो बाहर वाला हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं क्रस्ट. ठीक है, अगर अर्थ जो है इसका जो आउटर लेयर, सबसे बाहरी हिस्सा जो है, उसे हम कहेंगे क्रस्ट. ठीक है, इट इज अबाउट 40 किलोमीटर थिक. ये कुछ 40 किलोमीटर जो है वो मोटा होता है एंड मेड अप ऑफ हार्ड रॉक, जो कि जो है बड़े हार्ड रॉक से, पत्थरों से मिलकर बनता है. ठीक है, थ्री लेयर्स होती है अर्थ की. फर्स्ट है क्रस्ट, सेकंड देखिए बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के ठीक नीचे लेयर ऑफ रॉक एंड मेटल एंड इज कॉल्ड मेंटल. ठीक है, पहले क्रस्ट होती है जो रॉक से मिलकर बनती है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो लेयर होती है वो रॉक्स प्लस मेटल्स से मिलकर, धातुओं से मिलकर बनती है. ठीक है, जैसे कि हमारा आयरन वगैरह होते हैं, इन सब चीजें, इन चीजों से मिलकर बनती है, इसे हम बोलते हैं मेंटल. ठीक है, इट इज हार्डन देन क्रस्ट. ये जो है क्रस्ट से काफी हार्ड होती है, बहुत कठोर होती है. ठीक है, बहुत सख्त होती है, सॉफ्ट नहीं होती. बिलो दिस लेयर इज द कोर विच इज मेड अप ऑफ हॉट मॉल्टन मटेरियल इन सॉलिड फॉर्म. अगर हम इसके नीचे देखेंगे, फर्स्ट नंबर पे क्रस्ट, सेकंड पे मेंटल, इसके नीचे आएगी लेयर, उसको बोलते हैं कोर. और कोर किससे बनती है? ये गर्म पिघले हुए मटेरियल से बनती है. ठीक है, गर्म पिघले हुए से, लावा की तरह होता है ना, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जम जाता है, ये उससे मिलके बनती है. ठीक है, और दस वी फाइंड दैट इट गेट्स हॉटर एंड हॉटर एज वी गो डीपर इनसाइड द अर्थ. इसका मतलब जितना हम अर्थ की गहराई में जाते जाएंगे, जितना हम नीचे की तरफ आते जाएंगे, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो उतना गर्म होता जाएगा. ठीक है, अर्थ की थ्री लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. अब यहां पर देखिए, द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ बाय एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड इक्वेटर. देखिए आप पिक्चर, आप अर्थ की देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो बीचों बीच एक लाइन है, सेंटर में लाइन है, इसे बोलते हैं इक्वेटर. ये एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कि ये एक्चुअल में होती नहीं है, इसे सिर्फ हमारी कल्पना है. ठीक है, कि एक्चुअली में ऐसी कोई लाइन है. इसका काम क्या है? ये जो है अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में, दो बराबर हिस्सों में बांट देती है. ठीक है, यहाँ पर देखिए इक्वेटर है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है, ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं. ठीक है, इट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एट राइट एंगल टू इट्स एक्सेस. ठीक है, ये देखिए अर्थ के बिल्कुल सेंटर से होके जाती है. अर्थ जो एक्सेस से, देखो राइट एंगल 90 डिग्री एंगल बनेगा ना यहाँ पर. एंड द अपर हाफ इज कॉल्ड नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द लोअर हाफ इज कॉल्ड साउथर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, जो अपर वाला हाफ है, ठीक है, इक्वेटर ने दो पार्ट्स में बांटा, जो अपर हाफ है उसे नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलेंगे, और जो बिलो वाला है, नीचे वाला हिस्सा है, उसे लोअर हाफ है, उसे बोलेंगे साउथर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर है. देयर आर टू मोर इमेजिनरी लाइन. यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर टू मोर इमेजिनरी लाइन दिख रही है. ये सभी लाइन जो है इमेजिनरीज ही हैं. ठीक है, काल्पनिक है, एक्चुअली में ये होती नहीं है. द लाइन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की लाइन है, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड जो साउथर्न हेमिस्फीयर की लाइन है, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये लाइन्स इमेजिनरी होती है, जो हमें ग्लोब में या मैप में कंट्रीज की जो प्लेस है वो कहाँ पर है, सिचुएशन जो है कंट्री की, उसे आइडेंटिफाई करने में, या फिर मैप्स को या ग्लोब को रीड करने में हमारी हेल्प करती हैं ये लाइन. ठीक है, तो आप ये जो पार्ट है ये अच्छे से रिवाइज कर लेंगे. इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है. आप पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे, इसे समझेंगे.